दोस्तों, क्या आप मोबाइल सेफ्टी रिलेटेड टिप्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूए एक्सप्रेस में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल यूए एक्सप्रेस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, स्मार्टफोन तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी टिप्स बहुत बार हम नहीं जानते। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मोबाइल रिलेटेड कुछ सेफ्टी टिप्स। दोस्तों, प्ले स्टोर के अलावा कोई भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, क्योंकि प्ले स्टोर में आने वाली एप्लीकेशन हमेशा सिक्योर होती है, बल्कि अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन से हमें रिस्क रहता है वायरस और डेटा लीक का। दोस्तों, मोबाइल क्लीन करते वक्त हमेशा मैन्युअली करें, झाड़ू चलाने वाली क्लीनिंग ऐप का कभी यूज़ ना करें। और दोस्तों, बैटरी सेव करने वाली कोई भी एप्लीकेशन यूज़ ना करें जो आपके रिसेंट ऐप्स को किल करे। बैटरी सेविंग वाली एप्लीकेशन आपको ब्राइटनेस लेवल मेंटेन करती है, वो तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, और आपका वाईफाई चालू है, ब्लूटूथ चालू है, जीपीएस चालू है, तो उसको बंद कर देती है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन रन होने के लिए भी बैटरी यूज़ करती है, ये ऐप वो कभी बताती नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन कभी भी यूज़ ना करें। ये सारी चीज़ें तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं दोस्तों, तो याद रहे ये सब चीज़ें मैन्युअली ही करें। दोस्तों, आपको ऐसे कई ऐप मिलेंगे जिसमें कहा गया है फास्ट चार्जिंग और फिंगरप्रिंट का वादा किया हुआ है, लेकिन दोस्तों वो सब फेक है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग और फिंगरप्रिंट ये सब हार्डवेयर बेस होता है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए भी आपके फ़ोन में हार्डवेयर अनेबल होना चाहिए होता है, और फिंगरप्रिंट्स के लिए भी आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको हॉटस्पॉट शेयर करने की आदत है तो हमेशा अपना पासवर्ड बदलते रहे, और तो और दोस्तों हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पासवर्ड भी बदलते रहे। अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसे आसान पासवर्ड कभी भी सेट ना करें। दोस्तों, कभी भी फेक मैसेजेस पे भरोसा ना करें। 10,000 का फ़ोन ये 10 रुपये में, या फिर 10 लोगों को ये मैसेज शेयर करो तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। ये फ़ोटो को शेयर करने से उस इंसान को पैसा डोनेट होगा, या फिर कोई भी फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करे जब तक कि वो न्यूज़ कोई ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल या उसके ऐप पर ना दिखाए। या फिर दोस्तों, कहीं पे मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे रजिस्टर करो और पाओ आपके मोबाइल का डेटा का डेली लिमिट से 10 गुना ज़्यादा, लेकिन दोस्तों ये सब फेक होता है। दोस्तों, मोबाइल रूटिंग के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों पूरा प्रॉपर नॉलेज होने के बिना कभी भी अपना डिवाइस को रूट ना करें। दोस्तों, हैकर्स हमेशा नए नए नुस्खे अपनाते हैं आपका डेटा या आपका पैसा चोरी करने के लिए, तो फर्जी कॉल्स से सावधान रहें। अपना बैंक या आधार का OTP किसी से भी शेयर ना करें। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर नेटवर्क काफ़ी घंटे से नहीं आ रहा है तो तुरंत नज़दीकी सर्विस प्रोवाइडर या गैलरी में पहुँच जाए अपने और जानकारी ले। हो सकता है कि हैकर से होने वाले सिम स्वैपिंग से आपका नेटवर्क चला गया हो। और दोस्तों, व्हाट्सएप पर आने वाली कोई भी पोस्ट या न्यूज़ को बिना कंफर्म किए किसी से शेयर या फॉरवर्ड ना करें। बहुत बार पुराने फोटोज, वीडियोज नाम बदल कर लोकेशन और डेट बदल के फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो दोस्तों उनसे बच के रहे। और दोस्तों, सोशल साइट्स पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट फोटोज, वीडियोस कुछ भी शेयर ना करें। अपने आपके मोबाइल से चाहे वो डेटा डिलीट किया हो, लेकिन सोशल साइट्स के सर्वर्स पे वो डेटा अभी भी अवेलेबल होता है। दोस्तों, मोबाइल पॉकेट में रखते वक्त बैक साइड आउटसाइड में रखें, उससे डिस्प्ले टच ब्रेक होने से बचेगा। और दोस्तों, ब्रांडेड कंपनी का मेमोरी कार्ड यूज़ करें। रोड पर या स्टेशन पर मिलने वाले सस्ते मेमोरी कार्ड यूज़ ना करें, और अपने डेटा से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर मोबाइल ब्रांडेड यूज़ करते हैं तो एक्सेसरीज से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दोस्तों, नया मोबाइल लेने से पहले उसके सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं वो जान लें, और उसकी सर्विस कैसी है उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस मिलना आज बहुत डिफिकल्ट हो गया है। वो लोकल ब्रांड्स के फ़ोन लेने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, हमेशा मोबाइल के साथ आने वाले चार्जर से ही मोबाइल चार्ज करें, और वो चार्जर ख़राब होने पर हमेशा ब्रांडेड चार्जर खरीदें। लोकल सस्ता चार्जर यूज़ करके आपके मोबाइल के उसके बैटरी को खतरे में न डालें। 5 वोल्टेज का आउटपुट चेक करके चार्जर लें। अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तभी फास्ट चार्जिंग का चार्जर यूज़ करें, नहीं तो आपकी बैटरी ख़राब होने का संभव होता है। मोबाइल गर्म जगह पर रख के और धूप वाली जगह पर रख के चार्ज ना करें। दोस्तों, बैटरी लो होने पर मोबाइल कॉलिंग और डेटा का यूज़ ज़्यादा ना करें, उससे मोबाइल आपका हीट होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल भीग जाए या पानी में गिर जाए तो सबसे पहले याद रखें कि फ़ोन बंद हो तो उसे चालू करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उससे मोबाइल शॉर्ट यानी ख़राब होने का संभव होगा। अगर मोबाइल ऑन हो तो ये कभी ना समझे कि आपके मोबाइल को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कई बार मोबाइल में पानी जाते ही तुरंत प्रॉब्लम शो नहीं होती, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे कुछ दिन बीत जाते हैं तो मोबाइल में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत मोबाइल खोलना जानते हैं तो आपके मोबाइल को खोलें। अगर यूज़र रिमूवेबल बैटरी है तो उसे भी निकालें। हेयर ड्रायर से मोबाइल को थोड़ी हीट दे। याद रखें कि ज़्यादा हीट देने से मोबाइल का डिस्प्ले या प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट हो सकते हैं। मोबाइल खोल के उसे बल्ब के नीचे एक सेफ डिस्टेंस पर 1-2 घंटे के लिए रख दें। और अगर आप मोबाइल खोलना नहीं जानते और आपके मोबाइल में यूज़र नॉन रिमूवेबल बैटरी है तो नज़दीकी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाएं और उन्हें ये ज़रूर बताएं कि मोबाइल पानी में गया है लेकिन आपने उसे चालू नहीं किया है।
बस उनसे कहकर हीटर या थोड़ी सर्विस करा ले, उसमें आपका थोड़ा खर्चा होगा लेकिन मोबाइल शॉर्ट होने के बाद होने पर जितना खर्चा होगा उसके मुकाबले ये खर्चा काफी कम रहेगा। दोस्तों मोबाइल के रेडिएशन से ह्यूमन बॉडी पे नुकसान होता है आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज तक ये एक मिथ है, उस पर कोई मजबूत स्टडी अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों रेडिएशन के अलावा मोबाइल के कई नुकसान भी है। दोस्तों सुबह शाम मोबाइल हेडसेट से गाने सुनने या ज़्यादा टाइम तक बात करने से ऊंचा सुनाई देने की बीमारी होने का संभव बढ़ता है, और तो और दोस्तों आगे जाके बहरापन के भी शिकार होने के चांसेस बढ़ते हैं। आप ये बात नज़दीकी डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं। और दोस्तों मोबाइल का ब्राइटनेस ज़्यादा रखने से ज़्यादा टाइम तक मोबाइल देखने के बाद मोबाइल से नज़र हटते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, आजकल की युवा पीढ़ी की एक समस्या बन चुकी है। युवा पीढ़ी से रात के वक्त नींद लगने तक मोबाइल छूटता नहीं, अंधेरे में ज़्यादा समय मोबाइल यूज़ करने से आंखों का नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के साथ साथ चश्मा लगने का या पुराने चश्मे का नंबर बढ़ने जैसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों स्मार्टफोन हमारे बॉडी के नेचुरल साइकिल को बिगाड़ देता है। सोने से आधे से एक घंटे पहले मोबाइल को यूज़ ना करें। अगर आपके फ़ोन में रीडिंग मोड या नाइट मोड हो तो रात के समय वो यूज़ करें। पर दोस्तों कभी भी मोबाइल देखते वक्त मोबाइल आंखों से एक फीट के अंतर पर रखें। VR हेडसेट यूज़ ना करें। अगर 10 से 15 मिनट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 3-4 घंटे की मूवी के लिए VR हेडसेट कभी भी यूज़ ना करें, आंखों के लिए वो नुकसानदायक है। लंबे समय तक हेडफोन यूज़ करके म्यूज़िक ना सुने। दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त मोबाइल यूज़ ना करें। ये तो कई बार सुना है, उससे ज़्यादा बार इग्नोर भी किया है, लेकिन मोबाइल से हुए कई बड़े हादसे हमेशा एक छोटी गलती से हुआ है, ये याद रखें। दोस्तों आपका पर्सनल डेटा फोटोज़ मोबाइल में ना रखें, उसका बैकअप बना लें और कहीं सिक्योर जगह पर रखें, क्योंकि आपके मोबाइल का पैटर्न या पिन पासवर्ड क्रैक करना एक्सपर्ट्स के बाहर का खेल होता है। दोस्तों सर्फिंग करते वक्त हमेशा एक ट्रस्टेड ब्राउजर ही काम में लें, और मोबाइल एक गैजेट है, उसको अपनी हैबिट ना बनाएं। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। दोस्तों मोबाइल चार्जिंग करते वक्त चार्जिंग पॉइंट के आसपास डस्ट न होने से बहुत असुविधा होती है। उस पर एक आसान उपाय है, जो कि आप अपनी पुरानी जीन्स की पॉकेट को कुछ इस तरह से काट लें, उससे आपकी चार्जिंग वायर छोटी होने पर भी आप सही से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके लाइक्स और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल यूए एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।